नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का ये जो वीडियो है मेनली जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। इसमें हम लोग जानेंगे कि ईडीडी के बारे में, यानी ईडीडी होता क्या है मेनली। तो ईडीडी जो है वो मेनली है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद दिमाग में रहता है कि कितने दिन बाद डिलीवरी होगी। तो मेनली इसी टॉपिक को आज हम लोग इसमें समझेंगे। आप अपने से जो है अपना एक्सपेक्टेड डेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए बस ये फॉर्मूला लगाना है आपको। इसके बाद जो है बहुत ही आसानी से आप जो है अपना एक्सपेक्टेड डेट पता कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेनली जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ 7 डेज की होती है, ठीक है। यानी ड्यूरेशन देखे डिलीवरी का तो वो मेनली कितना है, 9 मंथ 7 डेज, ठीक है, यानी 277 डेज, यानी 277 दिन का मेनली ये प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है, यानी 9 महीने 7 दिन। तो इतना हमें याद रखना है, 9 महीने 7 दिन, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है ये जो ड्यूरेशन है डिलीवरी का वो सप्ताह में, यानी कि वीक में। तो ये जो 277 है यानी कि 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है, 7 डेज। तो 277 डेज टोटल डेज हैं, तो उससे हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो मेनली 39 वीक्स अप्रॉक्स आएगा। यानी कि 39 वीक्स जो होता है मेनली जो है डिलीवरी का ड्यूरेशन है 1 सप्ताह में। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये जो लास्ट मंथ पीरियड है, ठीक है, यानी मेंसेस जो लास्ट मंथ में हुआ है उसका डेट, ठीक है। मान के चलिए किसी का जो लास्ट मंथ पीरियड है वो 20 मार्च 2022 को आया है, ठीक है, और उसके बाद जो है उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो क्या करते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, यानी 9 मंथ 7 डेज का जो ये ड्यूरेशन है वो क्या करना है कि ये जो डेट है LMP का जो डेट है 20 मार्च 2022, तो 20 जो है तारीख है, तीसरा महीना है हमारा, और 2022 जो है वो ईयर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये जो डेट है, ठीक है, यानी 20 मार्च, ठीक है, तो 20 तारीख में क्या करना है कि ये 7 डेज जो हमारा है उसे ऐड करना है, ठीक है। तो 27 डेट हमारा निकला। अभी कि महीना निकालना है, तो महीने में मार्च यानी तीसरा महीना, तो यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे क्या करना है 9 मंथ जो है वो ड्यूरेशन था यहाँ पे, तो इस 9 मंथ को इस मंथ में ऐड करना है। तो 9 + 3 = 12, ठीक है, और ईयर जो है वो वही रहेगा। तो मेनली जो एक्सपेक्टेड डेट है यानी ईडीडी जो है वो हमारा शायद 27 दिसंबर 2022 है, ठीक है, यानी 27 दिसंबर 2022 को जो है वो डिलीवरी हो सकती है, ठीक है, बेबी बर्थ हो सकता है। तो मेनली ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि आप अपने घर में ही जो है अपना जो एक्सपेक्टेड डेट है कि किस दिन जो है डिलीवरी हो सकती है वो आप फाइंड कर सकते हैं और अवेयर हो सकते हैं, केयरफुली अपना ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो मेनली यही है, फिर से रिपीट कर देते हैं कि ड्यूरेशन जितना है डिलीवरी का वो है 277 डेज, ठीक है, यानी 277 दिन है, और 9 मंथ 7 डेज, ठीक है, 9 महीने 7 दिन। इसी 9 महीने 7 दिन को हमारा जो LMP डेट है उसमें ऐड करना है, ठीक है, यानी 7 दिन को इस डेट में ऐड करना है, और ये जो हमारा महीना है 3 मार्च, ठीक है, यानी कि मार्च जो हमारा है तीसरा महीना उसे इस 9 महीने यानी 9 मंथ जो है उसमें ऐड करना है। उसके बाद जो हमारा है वो EDD निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर इसमें कहीं कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो इसी तरह से वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।